हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं और हम लोगों के जो है दोस्त हैं और उनका जो है शादी का माड़ो गड़ाई हो रहा है। तो नीचे इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर जो है मड़ई मड़ई छान छाया जा रहा है। इधर अपना अपना काम में सब लोग लगे हुए हैं। देखा ये नहीं कभी आओ तो। और इधर लुंगी गमछा पहन के हमारे पिताजी सामने खड़े हैं। तो भैया, आपने अगर हमारी वीडियो देखना शुरू कर दिया है ना, तो हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। तो आप लोग आज तक सिर्फ सुनते हुए आए होंगे कि गांव गांव, और आज हम आप लोगों को गांव का कल्चर दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। और ये है छोटा भाई, चाचा का लड़का, खूब मौज प्रताव दे रहा है। और ये भी हमारे गांव का जो है कल्चर है, मौज प्रताव देना। दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं ना कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आप लोग कहीं नहीं मिला। ऐसा कहीं अगर देखा है ना तो कमेंट में बताइए ना, फिर वीडियो को देखिए पूरा आप लोग और आनंद लीजिए। और हाँ, तो सब्सक्राइब करना भूल गया ना, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अरे क्या खुदाई। दोस्तों, कहाँ कहाँ का ऐसा कल्चर है, ऐसा रीति रिवाज है, आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताते भी चलिएगा। इस तरीके का वीडियो हम पहली बार अपलोड कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ऐसा कल्चर सिर्फ आप लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार में ही मिलेगा, जैसा झारखंड में भी है इस तरीके का रीति रिवाज। और बहुत ही खुशी का माहौल होता है हमारे यहाँ। मतलब कि एक जन के अगर माड़ो गाड़ा जाता है ना, तो पूरा मोहल्ला जो है उठ के कबर पर आ जाता है माड़ो गड़ने। वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं ना, भैया जी हैं जो देख रहे हैं इधर, ठीक है, सीख ला काम दे ही। भैया जी हैं काम कर रहे हैं। और ये लोग एक घर के नहीं हैं, सब मोहल्ले वाले हैं। इतना प्रेम होता है हमारे गांव में कि ऐसे ही हम लोग जा करके मतलब एक दूसरे के घर में माड़ो गाड़ते हैं। फिर हल्दी लगाया जाता है पीठ पर, और पता नहीं कहाँ कहाँ लगा देते हैं सब। का दुल्हा आ गई ला, देखा इधर 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 गीत गाता है, इधर इधर नकली दिक्कत। यूट्यूब पर जाइएगा ना। और इधर जो आम आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों को लगता होगा कि आम किस लिए है, तो ये आम ऊपर बांधा जाएगा टुंडा पर। टुंडा का मतलब बांस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसकी तरह उसमें बांधेंगे। हल्दी लगी है। हाँ ठीक है, बचल रहा है कि। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हल्दी घोला जा रहा है उधर, और यही हल्दी जो है आगे और पीछे यानी पीठ पर आगे लगाया जाता है हमारे यहाँ। ये हमारे यहाँ का रस्म रिवाज है। ए गोरख भैया, ताकदा। हाँ चला भैया, ले आवा नीचे समय समय पर। अरे पकड़ा जा नीचे नीचे, जब पकड़ा के तू यहाँ का करेला वीडियो बनाओ थी। हाँ महिला, तू इधर पाँच। अरे यार, राजा शुरू हो गया।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर हल्दी वाला जो है रस्म होने लगा है, हल्दी लगा रहे हैं दूल्हे की माता जी। हल्दी लगने का कार्यक्रम शुरू, और इधर बांस जो है गाड़ा जाएगा, और बांस कोई छोटा बांस नहीं है, बहुत बड़ा होता है। देखिए ऊपर आप लोग, यह बड़ा बांस देख रहे ना, अभी हल्दी लगाएंगे और एक एक करके सबको लगाया जाएगा हल्दी, एकदम पूरा रंग दिया जाएगा। हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि कोई बचना नहीं चाहिए, जो भी माड़ो गाड़ने वाला है ना सबको एकदम लगाया जाता है, और ऐसे ही करके होता है हम लोगों के गांव का रीति रिवाज। इधर शुरू हो गया हल्दी लगने का कार्यक्रम बढ़िया से एकदम, इतना नहीं हाथ पर पकड़ के लगाया जाता है हल्दी हमारे यहाँ। दोस्तों मड़ैये हम लोगों का जो है देख रहे हैं कि खा रहे हैं ये लोग, उठाइए उठाइए उठाइए। कैसे और क्या बनिया जा बस उतना काफी है, उतना काफी लाभ उतना है। इधर सब लोग जल्दी हैं माटी पानी लेने के लिए, और बहुत लंबा दूर जाना है, बाहर जो है ना जो मतलब तालाब टाइप होता है उधर जाएंगे सब लोग मिट्टी लाने के लिए, और मिट्टी लाने के बाद उसी का चूल्हा बनाया जाता है, और विवाह के दिन उसी चूल्हे पर जो है खाना बनाया जाता है। हमारे यहाँ वही चूल्हा सबसे शुद्ध माना जाता है, जो देवी देवताओं जो भी अपने पुराने देवी देवता हैं उनका जो है पूजा पाठ किया जाता है, उसी चूल्हे पर पकवान बना करके चढ़ाया भी जाता है। अरे इधर हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास में, हमारे गाँव के बाहर का मंदिर है काली माता जी का,
सो रहे हैं माता जी का इधर। सब चल दिए हैं मिट्टी निकालने के लिए, यहीं से जो है शुद्ध पीली माटी निकाला जाता है और यहीं से सब लोग ले जाकर के पूजा भी करते हैं अपने घर लिपने पोतने का काम करते हैं इसी मिट्टी से। तो यहाँ का जो है रस्म रिवाज और जो है कुछ भी है सब अलग है हमारे यहाँ का। और इधर दूल्हे के माता जी हैं उसी के मारे खूब नाच रही हैं झूम के। आप लोग तो जानते ही हैं कि बेटे की शादी में कितनी खुशी होती है माता पिता। बस हिलादा नाचना होता तब वो चल जी हिलादा हिलादा। और ये है दूसरे की पिताजी शायद शर्मा रहे हैं नाचने से। दोस्तों इस वीडियो में जो भी लोग दिख रहे हैं सब अलग अलग परिवार के हैं, लेकिन जब खुशियां आती हैं तो सब लोग मिलके मनाते हैं। चाहे किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, चाहे लाख दुश्मनी हो, लेकिन खुशियां एक साथ मिलकर मनाते हैं। चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, सब लोग मिलजुल कर ही रहते हैं। तो ये है हमारे गांव का कल्चर। और आपके यहाँ कैसा है कल्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।